नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सभी जिलों के पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में आज हम बात करेंगे मुंगेर जिले की। मुंगेर पहले एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। मुंगेर जिले का वर्तमान स्वरूप 5 बार हुए विभाजन का परिणाम है। मुंगेर जिले को विभाजित करके 5 नए जिले बनाए गए। बेगूसराय 1976, खगड़िया 1988, जमुई 1991, लखीसराय तथा शेखपुरा 1994। पर्यटन की दृष्टि से बिहार स्थित मुंगेर हमेशा से ही विविध संस्कृति और परंपराओं के साथ एक समृद्ध ऐतिहासिक स्थल रहा है। बिहार के चुनिंदा सबसे खास पर्यटन स्थलों में मुंगेर जिला भी शामिल है। तो आइए जानते हैं वहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है मुंगेर का किला। लोग इस किले को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ इसको लेकर संदेह है, क्योंकि कई इतिहासकार इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति यह किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। यह एक घेराबंद किला है जिसके चारों ओर चार द्वार बने हुए हैं। यह किला दो पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्र और स्मारक दिखेंगे, जिसमें साहस सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडी स्थान मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि यह देश का पहला किला है जिसके अंदर आबादी बसती है। किले के अंदर सरकारी विभागों के कार्यालय, सिविल कोर्ट के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय है। यहाँ फैली चारों तरफ हरियाली पर्यटकों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। दूसरा है मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा। मुंगेर किले में ही आपात स्थिति में निपटने के लिए मीर कासिम ने रहस्यमय सुरंगों का निर्माण करवाया था। किले से निकले इन सुरंगों का दूसरा छोर कहाँ है यह आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। हालांकि इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं। कहा जाता है कि मुंगेर मुफसिल क्षेत्र स्थित पीर नाफा शाह के मजार के पास सुरंग का दूसरा छोर है। तीसरा है चंडी स्थान। बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित देश के 52 शक्तिपीठों में एक माँ चंडी का स्थान का यह स्थान है। यहाँ माता सती की बाई आंख की पूजा होती है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के 52 टुकड़े किए तो उनका बायां नेत्र यहीं गिरा था। इसके साथ ही द्वापर युग में राजा कर्ण और विक्रमादित्य के कथाओं में भी चंडी स्थान का जिक्र है। यहां आंखों के असाध्य रोग से पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और काजल लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां का काजल नेत्र रोगियों के विकार दूर करता है। चौथा है गोयन का शिवालय। तालाब के बीच बने गोयनका शिवालय श्रद्धालुओं के साथ ही मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल पौधे आदि मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है, इसीलिए लोग इसे मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गोयनका परिवार द्वारा अपने ईष्ट एवं कुल देवता के निजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित एवं जल में अवस्थित शिवालय श्री वैद्यनाथेश्वर स्तंभ पर विराजित है। पांचवा है भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो मुंगेर में भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य की रोमांचक सैर का आनंद ले सकते हैं। लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्य क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और जंगल एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस अभयारण्य से एक पौराणिक किंवदंति भी जुड़ी है। माना जाता है कि यहां कभी पांडव राजकुमार भीम ने एक बांध बनाया था, इसलिए इस वन्य क्षेत्र का नाम भीम बांध पड़ा। बिहार के खड़गपुर पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह वन्यजीव अभयारण्य असंख्य जीव वनस्पतियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का काम करता है। जंगली जानवरों में आप यहां तेंदुआ, वनमुर्गी, नीलगाय, बाघ, चीतल और सांभर आदि देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह अभयारण्य जमुई जिले से जुड़ा हुआ है।
छठा है सीताकुंड। सीताकुंड गर्म पानी का झरना है जो मुंगेर शहर से 4 मील दूर पूर्व में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने इसी जगह पर अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा के बाद प्रज्वलित अग्नि गर्म जल में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि सीताकुंड का जल हमेशा गर्म रहता है। सीताकुंड के सामने ठंडे पानी का झरना है जिसे रामकुंड कहा जाता है। इसके पश्चिम में 3 जलाशय है जिन्हें लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और शत्रुघ्न कुंड कहा जाता है। सातवां है कष्टहरणी घाट। उपरोक्त स्थानों के अलावा आप गंगा नदी के तट पर स्थित कष्टहरणी घाट की सैर का प्लान बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का एक धार्मिक स्थल है। वीकेंड पर थोड़ा आध्यात्मिक और रिफ्रेशिंग अनुभव पाने के लिए आप यहां का प्लान बना सकते हैं। कष्टहरणी घाट से पौराणिक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान राम और देवी सीता अयोध्या लौटने से पहले उन्होंने स्थान पर स्नान किया था। इस घाट के ठीक सामने श्री कृष्ण वाटिका एक उद्यान है जिनका नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर पड़ा है। यह एक चित्तकर्षक उद्यान है। यहाँ आप गंगा नदी के मनोहर दृश्य तथा स्थान की हरियाली का आनंद उठा सकते हैं। आठवां है ऋषिकुंड। ऋषिकुंड प्राचीन भारत के पौराणिक महत्व का स्थान है। यह कभी ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुआ करता था। ऋषिकुंड गर्म पानी का एक झरना है जो खड़गपुर पहाड़ी की दो चोटियों के बीच सीताकुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुंगेर से 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में लावागढ़ी पाटम पथ के समीप स्थित है। इस स्थान का नाम प्रसिद्ध ऋषि रिंग के नाम पर रखा गया है। यहाँ स्थित गर्म झरना पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण बना रहता है। सर्दी के मौसम में इस झरने का पानी थोड़ा गर्म रहता है जिसमें स्नान करने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर एक कुंड स्थित है जिसे लोग ऋषि कुंड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, पानी उसके कमर के आसपास तक रहती है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है जो भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों में हमने आज आपको मुंगेर जिले के पर्यटन स्थानों के बारे में बताया। अगले वीडियोस में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है तो आप इस जिले के हैं या फिर आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हम वीडियो में करना भूल गए हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।